हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने जा रहे हैं विश्व कप 2023 के फुल शेड्यूल के बारे में। जी हाँ, विश्व कप 2023 के लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और विश्व कप के वार्म अप मैच भी 29 सितंबर से शुरू हो चुके हैं। ऐसे में सभी क्रिकेट फैंस की धड़कनें और तेज चलने लगी हैं, क्योंकि विश्व कप 2023 जो आ रहा है, विश्व कप 2023 के सभी मैचेस कब, कहां और किस डेट में खेले जाएंगे बताएंगे सब कुछ। बस आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें, और यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी से वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड कप 2023 का पहला मैच 5 अक्टूबर को इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। वर्ल्ड कप का दूसरा मैच 6 अक्टूबर को पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड के बीच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। वर्ल्ड कप का तीसरा मैच 7 अक्टूबर को बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान के बीच धर्मशाला के HPCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं वर्ल्ड कप का चौथा मैच 7 अक्टूबर को ही साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका के बीच दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा। वर्ल्ड कप का पांचवा मैच 8 अक्टूबर को भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच चेन्नई के चेपॉक क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। वर्ल्ड कप का छठवां मैच 9 अक्टूबर को न्यूजीलैंड वर्सेस नीदरलैंड के बीच हैदराबाद के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। वर्ल्ड कप के सातवें मैच की बात करें तो ये मैच 10 अक्टूबर को इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश के बीच धर्मशाला के HPCA क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। वर्ल्ड कप के आठवें मैच की बात करें तो ये मैच भी इसी डेट में यानी कि 10 अक्टूबर को पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के बीच हैदराबाद के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा। वहीं वर्ल्ड कप के नवे मैच की बात करें तो ये मैच खेला जाएगा 11 अक्टूबर को इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के बीच दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। वर्ल्ड कप के 10वें मैच की बात करें तो ये मैच खेला जाएगा 12 अक्टूबर को साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। वर्ल्ड कप का 11वां मैच 13 अक्टूबर को न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश के बीच चेन्नई के चेपॉक क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। वहीं वर्ल्ड कप के 12वें मैच की बात करें तो ये मैच 14 अक्टूबर को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। ये विश्व का सबसे बड़ा मैच होगा। ये मैच ऐसा है जो हमेशा से विश्व भर में चर्चे में रहा है। वहीं अगले मैच की तरफ बढ़ते हैं तो ये मैच वर्ल्ड कप का 13वां मैच होगा, जो कि 15 अक्टूबर को खेला जाएगा। ये मैच इंग्लैंड बनाम अफगानिस्तान के बीच दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। वहीं वर्ल्ड कप का 14वां मैच 16 अक्टूबर को खेला जाएगा। ये मैच ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका के बीच लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा। वर्ल्ड कप का 15वां मैच 17 अक्टूबर को खेला जाएगा। ये मैच साउथ अफ्रीका वर्सेस नीदरलैंड के बीच धर्मशाला के HPCA क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। अगला मैच विश्व कप का 16वां मैच होगा, और ये मैच 18 अक्टूबर को न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान के बीच चेन्नई के चेपॉक क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। वर्ल्ड कप का 17वां मैच 19 अक्टूबर को खेला जाएगा। ये मैच भारत बनाम बांग्लादेश के बीच पुणे के MCA क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। वर्ल्ड कप का 18वां मैच 20 अक्टूबर को खेला जाएगा। ये मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। अगला मैच विश्व कप का 19वां मैच होगा, और ये मैच 21 अक्टूबर को नीदरलैंड वर्सेस श्रीलंका के बीच लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। अगला मैच भी इसी सेम डेट में होगा, और ये विश्व कप का 20वां मैच होगा, और ये मैच 21 अक्टूबर को इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच मुंबई के वांखड़े क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर के 2 बजे से शुरू होगा। वर्ल्ड कप का 21वां मैच 22 अक्टूबर को खेला जाएगा। ये मैच भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच
धर्मशाला के HPCA क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। वर्ल्ड कप का 22वां मैच 23 अक्टूबर को खेला जाएगा। ये मैच अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान के बीच चेन्नई के चेपॉक क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। वहीं वर्ल्ड कप का 23वां मैच 24 अक्टूबर को साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश के बीच मुंबई के वांखड़े क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा। वर्ल्ड कप का 24वां मैच 25 अक्टूबर को नीदरलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा। वर्ल्ड कप का 25वां मैच 26 अक्टूबर को इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा। वर्ल्ड कप का 26वां मैच 27 अक्टूबर को साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान के बीच चेन्नई के चेपॉक क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। वर्ल्ड कप का 27वां मैच 28 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच धर्मशाला के HPCA क्रिकेट स्टेडियम में सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। वर्ल्ड कप का 28वां मैच इसी सेम डेट में ही 28 अक्टूबर को नीदरलैंड वर्सेस बांग्लादेश के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। वर्ल्ड कप का 29वां मैच 29 अक्टूबर को इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। वर्ल्ड कप का 30वां मैच 30 अक्टूबर को अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका के बीच पुणे के MCA क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। वर्ल्ड कप का 31वां मैच 31 अक्टूबर को पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा। वर्ल्ड कप का 32वां मैच 1 नवंबर को साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच पुणे के MCA क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा। वर्ल्ड कप का 33वां मैच 2 नवंबर को इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच मुंबई के वांखड़े क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। वर्ल्ड कप का 34वां मैच 3 नवंबर को नीदरलैंड वर्सेस अफगानिस्तान के बीच लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा। वर्ल्ड कप का 35वां मैच 4 नवंबर को न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। वर्ल्ड कप का 36वां मैच इसी सेम डेट में ही 4 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार 2 बजे से शुरू होगा। वहीं वर्ल्ड कप का 37वां मैच 5 नवंबर को इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। वहीं वर्ल्ड कप का 38वां मैच 6 नवंबर को बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका के बीच दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। वहीं वर्ल्ड कप का 39वां मैच 7 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान के बीच मुंबई के वांखड़े क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा। वहीं वर्ल्ड कप का 40वां मैच 8 नवंबर को इंग्लैंड वर्सेस नीदरलैंड के बीच पुणे के MCA क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा। वहीं वर्ल्ड कप का 41वां मैच 9 नवंबर को न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। तो वहीं वर्ल्ड कप का 42वां मैच 10 नवंबर को साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार 2 बजे से शुरू होगा। तो वहीं वर्ल्ड कप का 43वां मैच 11 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच पुणे के MCA क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार सुबह के 10:30 बजे से शुरू होगा। तो वहीं वर्ल्ड कप का 44वां मैच भी इसी सेम डेट में ही 11 नवंबर को इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। तो वहीं वर्ल्ड कप का 45वां और अंतिम मैच 12 नवंबर को इंडिया और नीदरलैंड के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। ये मैच लीग स्टेज का लास्ट मैच होगा। तो अब बात कर लेते हैं फाइनल और सेमीफाइनल की। 15 नवंबर को पहला सेमीफाइनल होने वाला है। पहले स्थान और चौथे स्थान की दो टीमों के बीच यहां टक्कर देखने को मिलेगी और ये सेमीफाइनल मैच मुंबई के वांखड़े क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। तो वहीं बात कर लेते हैं सेकेंड सेमीफाइनल की। तो ये 16 नवंबर को खेला जाएगा। तीसरे और दूसरे स्थान की टीमों के बीच घमासान टक्कर यहां देखने को मिलेगा और ये सेकंड सेमीफाइनल मैच कोलकाता के ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा। वहीं अगर हम फाइनल की बात करें तो ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में 19 नवंबर को 2 बजे दोपहर को खेला जाएगा। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और यदि वीडियो पसंद लगी हो तो अभी एक लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब का बटन भी दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में,
तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसी तरह की क्रिकेट जगत से जुड़ी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।